नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। टोरंटो फिल्म महोत्सव मर्द को दर्द नहीं होता ने जीता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मुंबई के निदेशक वासन बाला की फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ग्रॉल्स व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला। गोवा में 3 निर्दलीय समेत 6 विधायकों ने बीजेपी को दिया समर्थन। जीएफपी के 3 विधायकों और 3 निर्दलियों ने भाजपा सरकार को समर्थन देने की बात कही। भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस के सबूत बनावटी लगे तो केस को रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट। 5 की रिहाई की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसको सबूत बनावटी लगे तो वो केस को रद्द भी कर सकता है। इलाज के लिए विदेश गए माकन, इस्तीफे की अटकलों को कांग्रेस ने नकारा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं। इस दौरान उनके इस्तीफे की खबर सामने आई थी, हालांकि कांग्रेस ने माकन के इस्तीफे से इनकार किया है। रेवाड़ी गैंग रेप, मुख्य आरोपी और 2 मददगार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बोर्ड टॉपर रही युवती से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपियों में से 1 निशु और 2 अन्य को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले 3 बैंकों का होगा विलय, बनेगा 3रा सबसे बड़ा बैंक। सरकार ने फैसला किया है कि विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हो सकता है। भोपाल चुनावी रैली में शिवराज पर राहुल ने साधा निशाना, कहा सबसे बड़े घोषणावीर। राहुल गांधी ने भाजपा पर जम के निशाना साधा, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ा घोषणावीर बताया। 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे नीतीश, सीटों पर हो सकती है फाइनल बात। 16 सितंबर को जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रशांत किशोर के जेडीयू में आने के बाद पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सेक्युलर मोर्चा सभी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, मुलायम सिंह मेनपुरी से प्रत्याशी होंगे, शिवपाल ने कहा। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ सुलह की गुंजाइश को नकारा है। करतारपुर कॉरिडोर की सियासत पर सिद्धू को सुषमा से मिली फटकार। बीते महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत के लिए मिली राजनीतिक मंजूरी के सियासी इस्तेमाल को लेकर सिद्धू को विदेश मंत्री की नाराजगी झेलनी पड़ी है। फाटक नहीं खोलने पर रेलवे गेटमैन के हाथ पैर काट डाले। राजधानी दिल्ली में रेलवे के गेटमैन पर क्रॉसिंग गेट नहीं खोलने पर बुरी तरह से हमला किया गया। इस दौरान बेरहम बदमाशों ने पहले तो गेटमैन को बुरी तरह पीटा, फिर उसके हाथ और पैर काट दिए। बीएसपी के रुख से कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी, मायावती के सख्त तेवरों से गठबंधन को खतरा। बहुजन समाज पार्टी के बदलते रुख ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टी को डर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के गठबंधन को लेकर सख्त तेवरों से विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को झटका लग सकता है। सिस्टम फेलियर, खराब मौसम और फ्यूल की कमी, पायलट ने बचाए 370 यात्रियों की जान। उड़ान के दौरान विमान में इलेक्ट्रिक खराबी आ गई, मौसम खराब हो गया और फ्यूल भी कम हो गया। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से 370 यात्रियों की जान बचा ली। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े समीकरण बनेंगे शिवपाल और चंद्रशेखर। शिवपाल सिंह यादव के सेक्युलर मोर्चे के उभार और भीम आर्मी के चंद्रशेखर उर्फ रावण से मायावती के किनारा करने से भाजपा के लिए अनुकूल माहौल बना है। हरियाणा में नहीं थम रही दरिंदगी, रोहतक में बच्ची से 4 लोगों ने किया गैंगरेप, जींद में विधवा से दुष्कर्म।
हरियाणा में चर्चित रेवाड़ी कांड के बाद महिलाओं और नाबालिग बच्चों से दरिंदगी के मामले थम नहीं रहे। रोहतक में 4 साल की बच्ची से 4 लोगों ने दरिंदगी की तो जींद में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेवाड़ी गैंगरेप केस मुख्य आरोपी की बहन ने की सरेंडर करने की अपील। फरार आरोपियों में से एक पंकज की बहन ने उसे सरेंडर करने को कहा। सोमवार को पंकज की बहन ने बात करते हुए कहा कि मैं अपने भाई को ये मैसेज भेजना चाहती हूं कि तुम उसके सामने जाकर सरेंडर कर दो। शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाली सपा नेत्री संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी, ससुर गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में सामान्य घरों में या अशिक्षित घरों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिंसा की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा राज्य मंत्री जैसे पद पर रहने वाली महिला के साथ भी ऐसा हो सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लेक्चर में हिस्सा लेने पहुंचे कई सेलिब्रिटीज। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिल्म कलाकार मनीषा कोयराला, मधुर भंडारकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म संगीतकार अनु मलिक, लोक गायिका मालिनी अवस्थी पहुंच चुके हैं। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, स्कूली बच्चों संग मनाया जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने जन्मदिन मनाने के लिए वाराणसी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नर ओर स्थित प्राइमरी स्कूल में गए और बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। नवाबी शहर में गणेशोत्सव की धूम, आज मुख्यमंत्री करेंगे बप्पा के दर्शन। झूलेलाल वाटिका में बप्पा को लगेगा 56 भोग, दर्शन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जगह जगह लगे पंडाल और निकाली जाएगी शोभा यात्रा। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे हैं हेल्कर टुडे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।